आज अयोध्या में प्रभु श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में 5 सदी के बाद पुनः विराजमान हो चुके हैं। हर राम भक्त, हर सनातन धर्मावलंबी इस घटना से प्रफुल्लित है और भारत को इस दिन की प्रतीक्षा सदियों से थी। भाव विभोर करने वाला यह क्षण आज अयोध्या में देखा जा सकता है। 22 जनवरी को भी और 23 जनवरी को भी हम लोगों ने देखा था, पूरे देश भर से आए हुए श्रद्धालु, जो जहां से भी आया, क्या भावनाएं थी और किस रूप में उमड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दर्जनों पीढ़ियां चली गईं, एक ही कामना के साथ, एक ही तमन्ना थी कि अयोध्या में प्रभु फिर से अपने मंदिर में विराजमान हो जाए, उसका भव्य मंदिर बन जाए। किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष निरंतर जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में ऐसा एक अनोखा प्रकरण रहा है जहां बहुसंख्यक समाज को अपने ही आराध्य के लिए उनकी जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए सदियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा, हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। संतों के स्तर पर वैरागियों ने, पुजारियों ने, नागाओं ने, निहंगों ने, बुद्धिजीवियों ने, राजनेताओं ने, वनवासियों ने और समाज के हर तबके ने जाति पाति विचार दर्शन पूजा पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए अपने आप को उत्सर्ग किया और अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया।